हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। आज बच्चों थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश आ रही है और लाइट गई हुई है, ठीक है। और क्लास को मिस मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो क्लास को करना जरूरी, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना आज की, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक है, हम इतना वाइड लेवल पे नहीं करेंगे कि बिल्कुल इलेवेंथ में जितना दे रखा उतना भी नहीं करेंगे और जितना नाइन्थ में दे रखा हम उतना भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब उनके बीच का करेंगे जिसके हमारा क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, ठीक है। अब देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है बच्चों? अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके कुछ लो बनाए, ठीक है। बट टाइम टू टाइम वो लो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम तो चीजें चेंज होती जा रही है, तो जो चीजें चेंज हो रही है उन्होंने बहुत सारे लो बनाए, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट मूव क्या है, वो तो अभी तक किसी को नहीं पता क्योंकि उससे बेस्ट कुछ ना कुछ और निकल के आ जाता है। तो जो चीजें हम मेजर करते हैं मतलब जो लो है वो किस चीज से हम मेजर करेंगे उनको बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या, जो हमारे जो लो बने हैं हम उनको मेजर कैसे करेंगे, उन चीजों को कैसे हम मेजर करेंगे, वो क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हमारा जो मास है, हम मास को कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 50 kg का 60 kg का, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, द क्वांटिटी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सके, जो इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों वो तीन टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों, जो फंडामेंटल बेसिक, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल किसी क्या होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो हमारा मास है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मास है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। टाइम है, तो हमें इन तीनों की ही जरूरत है, मेन तो हमें इन तीनों की ही जरूरत है। इसको डिनोट करेंगे एम से, इसको डिनोट करेंगे एल से, और इसको डिनोट करेंगे टी से, एम एल टी। मास को बच्चों हम लिखेंगे केजी में, ठीक है। मास को लिखेंगे हम केजी में, लेंथ को किस में लिखेंगे, मीटर में, और टाइम को लिखेंगे सेकेंड में, ठीक है। मास को लिखेंगे केजी में, लेंथ को लिखेंगे मीटर में, टाइम को लिखेंगे सेकंड में। वैसे फंडामेंटल और भी हैं, जैसे इंटेंसिटी है, ठीक है, वो भी फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल है, लेकिन जो हमें जरूरत है वो इन तीनों की मेन जरूरत है, ठीक है। हमें इन तीनों की मेन जरूरत है, इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एक फंडामेंटल है। इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर कई बार आई से भी डिनोट करेंगे, लेकिन हमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है बच्चों ड्राइव्ड, सेकेंड है बच्चों ड्राइव। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जो फंडामेंटल से ड्राइव हो, फंडामेंटल से ड्राइव हो। जैसे एरिया है, जब हम किसी चीज का एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को भी हम मीटर में लिखते हैं और ब्रेथ को भी हम मीटर में लिखते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का होल स्क्वायर। तो यह कहाँ से आया, एरिया यहाँ से, मीटर इंटू मीटर, लेंथ लेंथ की यूनिट हमें यहाँ पे यूज कर ली। तो एरिया को हम किससे किससे ड्राइव किया, फंडामेंटल से, लेंथ से, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर, क्योंकि इनको मीटर में ही किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर की क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको ये सारा बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, थोड़ा समझ लो बस। और कोई बच्चा उतारना चाहे ना तो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल उतारो, मैं तो कहती हूँ आप उतारो साथ में, ठीक है, क्योंकि उस ये उतारने से याद भी रहेंगे। मास को किस में लिखते हैं बच्चों, केजी में। मास को किस में लिखेंगे, केजी में, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी को कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को बाद में करेंगे। वेलोसिटी किसके इक्वल है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में लिखेंगे, मीटर में।
टाइम को किसमें लिखेंगे, सेकंड में, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो मास की यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को हमने निकाल लिया मीटर पर सेकंड, और एक टाइम यहाँ पे है, ठीक है, तो सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। मास किसके इक्वल है, केजी, ठीक है। तो अब मैं अगर वर्क निकालना हो, वर्क, वर्क किसके इक्वल है बच्चों, वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मैंने अच्छे से करवा दिया, फोर्स मैंने करवा दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। वॉल्यूम का, एरिया का तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वो एरिया किसके, लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम किसके, लेंथ ब्रेथ हाइट, पढ़ते आ रहे हो। वेलोसिटी किसके इक्वल हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, तो ये क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वर्क। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री में क्या आएगा हमारे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या आएगा, एंगल। सप्लीमेंट्री में हमसे क्या पूछेगा, एंगल, ठीक है। जैसे देखो ये था, ये था, यहां से ऐसे बोलेगा ये थीटा है ना, इसकी पहली बात तो यूनिट पूछ सकता है यहां से, और ये थीटा है किसके इक्वल, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस, क्योंकि ये एक सर्कल था, ये एक सर्कल था, यहां से हमने एक सर्कल था, यहां से हमने ये क्या किया, ये रेडियस इक्वल है ये, ठीक है, ये इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, आर्क, और ये क्या है, रेडियस। तो जो थीटा है ना बच्चों, वो किसके इक्वल है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। और थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियन, आर ए डी, इसमें लिखते हैं रेडियन। थीटा की यूनिट क्या होगी बच्चों, रेडियन। जो देखो अब ऐसे बोलेगा कन्वर्ट डिग्री इंटू एंगल, कन्वर्ट करो डिग्री को एंगल में, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री, डिग्री इंटू पाई बाय 180, डिग्री पाई बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन, डिग्री पाई बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है। तो अब देखो यहां से अगर डिग्री दे दे तो हम रेडियन को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें रेडियन दे दे तो हम डिग्री को भी निकाल सकते हैं। डिग्री किसके इक्वल हो गई, रेडियन इंटू 180 ओवर पाई, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ऐसे कैसा मेंशन करके देगा, आपको क्या बोलेगा कि जैसे एक ऑप्शन देगा आपको कि रेडियन बताना है, डिग्री इंटू 180 बाय पाई लिख देगा या फिर कुछ और, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब फॉर्मूला तो एक ही याद रखना है, दूसरा तो इसको कन्वर्ट ही किया है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि जो यूनिट है हमारी, उसको जो मेजरमेंट है वो कैसे करेंगे, किसका क्या फॉर्मूला है वो पूछेगा हमसे, ठीक है। तो अब देखो सीरियल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, सबको पता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। रिलेशन इज अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशन, जैसे फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ, फोर्स का मास के साथ रिलेशन है। और डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, बच्चों देखो जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन वो क्या होता है, वो डायमेंशन है जो पावर को हम डायमेंशन, मतलब जो डायमेंशन पूछो मैं, ये है MLT, डायमेंशन ये नहीं है, डायमेंशन इनके ऊपर लगी हुई पावर है, जैसे कुछ भी मानो कुछ भी लग रही है, ठीक है। तो ये पावर है वो क्या है, डायमेंशन। मैं पूछू लेंथ का डायमेंशन क्या है, आप बोलोगे 3, टाइम का डायमेंशन क्या है 2, मास का डायमेंशन क्या है 1, तो ये क्या होता है बच्चों, डायमेंशन, ठीक है। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे बताना है इसका, और यूनिट बतानी है, ठीक है। यूनिट से भी क्वेश्चन आता है, कौन यूनिट लेस है, किसके यूनिट क्या है, यहाँ से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो हमारे पास जो एरिया है, रिलेशन विद अदर क्वांटिटी, एरिया किसके इक्वल होता है, जो लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल, ठीक है। लेंथ को भी हम किसमें डिनोट करते हैं, मीटर में, और इसको भी मीटर में, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया, अब हम यहाँ पे मीटर नहीं करेंगे, ठीक है। लेंथ है उसका जो सिंबल है लेंथ का, वो है हमारे पास एल, और ब्रेथ का भी सिंबल क्या है, एल, ठीक है, MLT, लेंथ भी एल, एम मास को एम में डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम किस में डिनोट करेंगे, एल और एल, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एम जीरो एल टू और टी जीरो, यहाँ पे ना तो टाइम है ना ही मास है, यहाँ पे क्या है सिर्फ लेंथ है और ये क्या है टू। तो मैं अगर पूछूं कि डायमेंशन बताओ आप मास का, तो यहाँ पे जो डायमेंशन अगर मैं मास का पूछूंगी तो आप सीधा बोलोगे जीरो। डायमेंशन मैं पूछूंगी लेंथ का तो आप बताओगे टू। डायमेंशन टाइम का पूछूंगी तो बताओगे आप जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या आया एम जीरो एल टू टी जीरो। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसकी यूनिट पूछे, अगर हमसे इसकी यूनिट पूछे तो हमें पता है मीटर स्क्वेयर होगी, क्यों मीटर इंटू मीटर, मैंने बताया मीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वेयर, तो यूनिट क्या होगी बच्चों मीटर स्क्वेयर। ठीक है, यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वेयर। अब हमारे पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए। अब लेंथ किसमें एल, ये भी एल और ये भी एल, तीनों एल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एम जीरो एल थ्री टी जीरो, एम जीरो एल थ्री टी जीरो। मैं अगर आपसे पूछू बताओ लेंथ का डायमेंशन बताओ तो आप बताओगे थ्री, अगर मैं पूछू मास का डायमेंशन बताओ बताओगे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या आएगी मीटर की क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर की क्यूब। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम मास को किसमें डिनोट करते हैं आपको पता है मास है एम, वॉल्यूम क्या है अभी हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, अभी हमने वॉल्यूम निकाला है एल की थ्री। ठीक है, वॉल्यूम निकाल दिया, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा एम वन एल माइनस थ्री, ऊपर चला जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, और टी जीरो, एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो मास की मैंने ऐसा यूनिट बताई थी हम केजी में डिनोट करते हैं मास को। ठीक है, और इसको किस में डिनोट करते हैं मीटर में, तो क्या आएगा केजी मीटर इनवर्स, केजी मीटर की थ्री इनवर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों फोर्थ है वेलोसिटी, नीचे लिख लेते थोड़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल है बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज के हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको किसमें डिनोट करते हैं लेंथ में, टाइम को टी में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट पूछू आपसे वेलोसिटी लेंथ को मीटर में, ठीक है टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, हाँ देखो बच्चों अगर आपको मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना लाइट की वजह से तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं ये क्लास फिर से बना दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जाम पास है इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि अभी बना देती हूँ। अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी हमने निकाल ली, ठीक है वेलोसिटी हमने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी निकाल के बैठे हम एल बाई टी और यहाँ पे फिर से टी है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों एम तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है एल इसके अंदर वन और टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, अगर हमसे यूनिट पूछे इसकी यूनिट किसमें लिखते हैं हम मीटर में, और नीचे इसकी यूनिट किसमें लिखेंगे सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है या आप इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, या आपसे सीधे डायमेंशन फॉर्मूले पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है वैसे, यहाँ पे चार क्वांटिटी दे देगा, यहाँ पे चार डायमेंशन फॉर्मूले दे देगा, आप उसे पूछेगा कि बताओ किसका कौन सा है। ठीक है, या फिर क्या पूछेगा कि ये यूनिट बतानी है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो फोर्स हमारे पास, फोर्स किसके इक्वल है बच्चों, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल, फोर्स किसके इक्वल है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने देखो मास का पता है, मास किसमें होता है
m1 यहाँ पे लिख सकती हूँ ना मैं, इतने तो आप समझ जाओगे। m1 एक्सेलरेशन क्या है, m एक्सेलरेशन क्या किया हमने, टी स्क्वेयर, ये है टी स्क्वेयर, ठीक है। m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, क्या हमारे पास बच्चों फोर्स है, फोर्स है, ठीक है। और फोर्स की सीधी यूनिट याद रखनी है आपको न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट सीधी याद रखनी बच्चों क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। आपको यहां से नहीं देख, सीधी यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन। अब देखो इंपल्स, इंपल्स इंपल्स क्या होता है बच्चों, मैंने इंपल्स आपको करवाया है, इंपल्स मैंने आपको करवाया है। अगर हम जैसे कोई हमारे पास पेन है, पेन की जो नोक है उसको हम, मैं यहां से एकदम फोर्स लगाऊं और हटा दूं, ठीक है, एकदम टच किया और हटा दिया, फोर्स लगाया लेकिन बहुत ही स्मॉल टाइम के अंदर, फोर्स लगाया बहुत ही स्मॉल टाइम के अंदर, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है हमारे पास बच्चों, इंपल्स होता है। मैं करवा चुकी हूं आपको इंपल्स, तो फोर्स की यूनिट हमें पता है क्या है, m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा है, तो क्या आ जाएगी यूनिट, m1 l1 t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो क्या बोलोगे, न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकंड। तो मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, m1 l1 t माइनस वन, इम्पल्स पूछा जा चुका है, ठीक है, इम्पल्स काफी टाइम पूछा जा चुका है। अब हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाऊं और कितना एरिया है उसका। अब जैसे कोई यहाँ पे ऐसे एक कील है, मैं उसको ठोकना चाहती हूँ, ठीक है, उस कील को बिल्कुल स्मॉल एरिया के अंदर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, एरिया कम है मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। मैंने करवाया था फोर्स, प्रेशर क्या है, फोर्स लगाया मैंने, फोर्स लगाया कितने एरिया में लगाया, ठीक है, वो क्या होता है हमारा प्रेशर। अब देखो ये इसके इक्वल है, अगर इस स्मॉल एरिया के अंदर मैं ऐसे ठोकूं इसको, प्रेशर लगाऊं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा अगर एरिया कम है तो। अगर एरिया बहुत ज्यादा है, अब मैं एक इतनी मोटी इसको यहाँ पे ठोकूं तो ठोकेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया इसका, प्रेशर इसका कम हो गया, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या है हमारे पास, m1 l1 t माइनस टू, फोर्स की यूनिट ये है हमारे पास। एरिया क्या है बच्चों, जो हमें स्टार्टिंग में निकाला था, m का होल स्क्वायर, एरिया क्या है, सॉरी एरिया क्या है हमारे पास, मीटर इंटू मीटर, l का होल स्क्वायर, ठीक है, एरिया ये है। तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, m1 l माइनस वन टी माइनस टू, m1 l माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। और इसकी यूनिट में पूछू तो क्या आएगी, न्यूटन, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है हमारे पास जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी मैं, मैंने बहुत सारे पेपर में जी की वैल्यू देखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जी की, जी का डायमेंशन फॉर्मूला काफी टाइम पूछा गया है, इसके ऐसा यूनिट भी पूछी गई है, ठीक है। अब देखो जी किसके कुल, जब मैं आपको ग्रेविटेशन करवाऊंगी तब ये बहुत अच्छे से हम जी को वहां पे भी करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। एक मास है इधर, एक मास है इधर, ठीक है, दो मास है। अब जो ग्रेविटी है ना बच्चों, ग्रेविटी, ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, जितना फोर्स m1 इसके ऊपर लगा रहा है m2 को, उतना ही m2 m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारा जो फोर्स है, और जो ये बीच की इनकी क्या है डिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास r, ठीक है, बीच की रेडियस, ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं r। तो ये हमारे पास जो फोर्स है m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू क्या निकलेगी, जब मैं जी निकालूंगी यहाँ से तो क्या आ जाएगा, दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ से देखो, जी की वैल्यू क्या है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2 इज इक्वल टू जी, ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू जी।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने किया था, एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे जो आर है हमारे पास बच्चों, आर क्या है, आर क्या हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का होल स्क्वेयर, और एम वन और एम टू क्या है मास से, ठीक है, तो मास का भी होल स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, एम माइनस वन एल माइनस एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, क्या आ जाएगा बच्चों ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, एम वन टी टू एल थ्री, वन टू थ्री, इसमें तीनों है, वन भी है टू भी है और थ्री भी, ये आपसे सीधा पूछेगा। अब हमसे क्या पूछता बच्चों, इसकी यूनिट पूछेगा, तो हमें पता है कि जो ये मिटा दो ना, सीधा यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, इसकी यूनिट पूछेगा, तो यूनिट पूछेगा तो हमें पता है कि ये साइड गया था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, और ये इस साइड गया था रेडियस, इसकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वेयर, ठीक है, और केजी इनवर्स, ठीक है। इस अब है एनर्जी या फिर वर्क, एनर्जी या फिर वर्क, वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क क्या होता है, मैंने वर्क चैप्टर करवा दिया आपको, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। अब देखो यहां से मुझे फोर्स की मैंने करवा रखी यूनिट आपको एम वन एल वन टी माइनस टू, याद ही रखना फोर्स की, बहुत जगह ये फोर्स यूज होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लेंथ में नापते हैं, तो डिस्टेंस क्या है एल वन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे टू लिख दो सीधा, ठीक है, वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू। अब अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट पूछूं तो फोर्स की ऐसा यूनिट किस में लिखेंगे, न्यूटन में, और डिस्टेंस मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर, बट एक न्यूटन मीटर मैंने बताया था आपको किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल, तो वर्क की यूनिट क्या बच्चों, जूल, ठीक है, एक न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, वन जूल के इक्वल, वर्क किसी भी यूनिट पूछे तो क्या आ जाएगा जूल। अब बच्चों देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट है पावर, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पावर, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पावर का अभी वर्क का हमने डायमेंशन निकाला था एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और टाइम साथ में, तो ये टाइम जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहां से मैंने हटाया इसको, ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है, इतना हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एम वन एल टू टी माइनस थ्री। अब देखो पावर है बच्चों, उसकी यूनिट हमसे पूछी जाती है, तो पावर की यूनिट है वाट, मैंने आपको पावर करवा चुकी, मैं पावर की यूनिट भी बता चुकी, ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या है वाट, आपको ये याद रखनी है यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं वो भी याद रखना है, ठीक है। अब है एंगुलर वेलोसिटी, अब है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, एंगल अपॉन टाइम, ठीक है, कितना एंगल कितने टाइम में, ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगल थीटा से डिनोट करते हैं इसको और टाइम को टी से। बच्चों देखो एंगल है ना, एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन बाई टी एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, एंगल का हमारे पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, बट एंगल की यूनिट होती है, मैंने अभी बताई थी आपको रेडियन में एंगल की यूनिट को हम डिनोट करते हैं रेडियन में, और टाइम की यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो अगर हमसे एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट पूछेगा तो रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, रेडियन यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर भी मिलेगा, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल होता है जो करंट, करंट को हम एम्पियर में भी डिनोट करते हैं, करंट को किस में डिनोट करते हैं हम एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में, और टाइम को टी। तो यहाँ पे हम क्या, इसका डायमेंशन होता है एम्पियर का डायमेंशन होता है। अब देखो एम जीरो एल जीरो, यहाँ पे एम्पियर, इसको ए वन और टाइम का टी वन, तो एम जीरो एल जीरो ए वन एम्पियर और टी वन, ठीक है, और इसकी यूनिट को लिखते बच्चों कूलम, इसकी यूनिट होती कूलम, ठीक है,
इसकी यूनिट होती है कूलर। ये इतने सारे मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सोचोगे ये तो मैडम ने बिल्कुल भर दी है, बॉडी भर दिया, लेकिन ये आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये 20-25 है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर दिन में एक बार भी रिविजन करोगे तो भी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास, स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कितने एरिया के ऊपर हमने कितना फोर्स लगा उसको क्या बोलते हैं, हमें स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस दबाव दे दिया, ठीक है, कितना फोर्स लगाया कितना एरिया में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। फोर्स का मैंने बता दिया था यूनिट डायमेंशन MLT, ये याद रखनी। फोर्स की तो बिल्कुल रट लो आप, फोर्स हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स की यूनिट क्या है, M1L1T-2। और एरिया मैंने आपको बताया था मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर। तो लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, एल से, सॉरी डिनोट किससे करते हैं, एल से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को एल स्क्वायर से, बता चुकी मैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1L-1T-2, ठीक है, M1L-1T-2। और इसकी यो अगर मैं ऐसा यूनिट पूछूं तो फोर्स किसकी यूनिट है, न्यूटन की, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की न्यूटन मीटर स्क्वेयर। अब देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है, देखो कोई चेन है उसके अंदर स्ट्रेन आ गया, मतलब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्फ्यूगरेशन। मान लो कोई चेन थी, अगर उसके अंदर स्ट्रेन आ गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी स्ट्रेन आ गया, तो जो ओरिजिनल थी उससे कुछ चेंज हो गया। तो चेंज इन कॉन्फ्यूगरेशन फॉर ओरिजिनल कॉन्फ्यूगरेशन, डेल एल बाई एल, ठीक है। तो इसको भी हम एल से डिनोट करेंगे, क्योंकि क्या है, चेंज आया है वो भी लेंथ में ही आया है, और किस में, ओरिजिनल लेंथ से। तो इसको जब हम काटेंगे तो नो यूनिट, इसकी जो स्ट्रेन है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी। हमारे पास है यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यंग मॉडुलस, वो क्या किसके इक्वल होता है, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस के हमने यूनिट निकाल दी थी, ठीक है, M1L1T-2। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, हाँ देखो बच्चों, जो हमारे पास फोर्स होता है ना बच्चों, फोर्स, फोर्स टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, टेंशन भी एक टाइप का फोर्स भी होता है, और थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है। फोर्स के इक्वल टेंशन और थ्रस्ट, ये एक टाइप के फोर्स ही होते हैं। तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला था वही टेंशन का होगा और वही थ्रस्ट का होगा, M1L1T-2, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन, ठीक है। अब जो टॉर्क है हमारे पास, टॉर्क को हम करेंगे, टॉर्क को समझेंगे बहुत अच्छे से। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। ये आपको बस थोड़ा सा एक बार याद करो इसको, क्योंकि टॉर्क एक टॉपिक है वो हमें समझना पड़ेगा। फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, M1L1T-2, ठीक है। और डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेंथ में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, थीटा है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, M1L1L2T-2, M1L2T-2 किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क। अब आ गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M1L1T-2, ठीक है, और लेंथ L, लेंथ क्या है, L, तो क्या आ जाएगा, M1 यहाँ से ये कट जाएगा, T-2, और L 0 लिख लेना, ठीक है, M1T-2 सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। अब देखो बच्चों हमारे पास विस्ट्री में हमें पढ़ा हुआ है E=hν, और जो हमारे पास न्यू होता है ना बच्चों, न्यू ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/T के इक्वल, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/T के इक्वल। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, मतलब न्यू की यूनिट क्या आ जाएगी, टी का इनवर्स, ई की यूनिट क्या आ जाएगी, टी का इनवर्स। एनर्जी की यूनिट मैंने बताई थी अभी, एनर्जी है, वर्क है, एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है, M1L2T-2 और T-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1L2T-1, ठीक है। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है। अब देखो बच्चों,
आप सोच रहे होगे कि इतना ज्यादा कैसे याद करेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ एस्टेट के ही, एस्टेट के क्वेश्चन देखो एक बार। देखो बच्चों, अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों आपके एस्टेट के क्वेश्चन है, ठीक है। तीन ही लिए मैंने यहाँ पे, तीनों एस्टेट के क्वेश्चन है। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, किसका डायमेंशन सेम नहीं है। देखो, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम था, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम था। यंग मॉडुलस क्या था बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और जो स्ट्रेन है उसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्या है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी, उसका डायमेंशन नहीं, वो मैंने करवाया था आपको। तो इन दोनों का तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क क्या था, अभी हमने किया था, जो टॉर्क है ना बच्चों, क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क भी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है, तो दोनों का सेम है। पूछा क्या, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच किसके इक्वल है, ई और न्यू, ई बाय न्यू, ठीक है। तो इन दोनों का कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास आंसर यही आएगा, ये आपका स्टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने किया है। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, अभी करवा के दिखाया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी शायद। और एक एस्टेट में पूछा गया था, टीजीटी के ही क्वेश्चन है सारे, टीजीटी के, यूनिटलेस क्वांटिटी बतानी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, टॉर्क है। तो हमने क्या किया था, यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी हमारी, स्ट्रेन। यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी है बच्चों हमारी, देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एक्स इसका अंडर रूट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखोगे, प्रेशर का डायमेंशन लिखोगे, और एक्स का हमें डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। पीडीएफ के अंदर मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, सीधी दे देगा ये स्केलर है या वेक्टर है। तो कैसे याद करेंगे, सिंपल वी वॉच, सिंपल वी वॉच, ठीक है। सिंपल से क्या, स्पीड, एम से क्या है, मास, ठीक है, पी से पावर और प्रेशर, पावर और प्रेशर, एल से लेंथ, ठीक है, ई से एनर्जी, वी से वॉल्यूम, ठीक है, वी से वॉल्यूम, डब्ल्यू से वर्क, टी से टाइम और सी से चार्ज एंड करंट, ठीक है। सिंपल वी वॉच, स्पीड, मास, पावर, प्रेशर, लेंथ, एनर्जी, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, चार्ज, करंट, ठीक है। ये कौन सी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी आपको सीधा दे देगा कि जैसे दे देगा चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर करंट है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बच्चों, इफ डीवी ए एम डब्ल्यू, याद कैसे करोगे, इफ डीवी ए एम डब्ल्यू, ठीक है। इफ इम्पल्स, इफ से इम्पल्स, एफ से फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एम वी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक नीचे की तरफ उस डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, डायरेक्शन की तरफ क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। लेकिन मास है ना हमारे पास, जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी और वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, प्रीवियस ईयर मैंने आपको दिखा दिए है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।